बहुत ही जहरीले। जैसा कि आपने देखा था अगली वीडियो में हमारी, कि काफ़ी पूरा समय लग गया, पूरा दिन लग गया सांप निकालने में, और कम से कम 4 घंटे का समय लगा मशक्कत के बाद। 4 सांप हमने निकाले हैं और उनको इस जंगल में छोड़ने आए हैं जहाँ पर इनके रहने लायक जगह हो। और ये बोल नहीं सकते हैं, और ये अक्सर होता क्या है, दाब में पड़ जाएं या फिर किसी कारणवश घर में शिकार की तलाश में तो लोगों को काट लेते हैं। लेकिन अब हम इनको, बेजुबान जानवरों को, यहाँ पे छोड़ देंगे और आप हमारी लगातार वीडियो में बने रहिए। जैसा कि इसमें एक सांप है और एक इसमें सांप है और एक इसमें भी सांप है और एक ये सांप है, और ये बहुत ही जहरीले सांप हैं। और अभी हम आपको इनको दिखा रहे हैं। दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहिए। और ये सांप देखिए, ये देखिए एक है, इसको अभी छोड़ने जा रहे हैं। और सारे सांपों को हम खोल कर रख लेते हैं ताकि भजन कभी निकलेगा तो फिर पकड़ लेंगे। देखिए दोस्तों, एक ये सांप है, एक ये है, बहुत ही पुराना सांप है ये, स्प्रेक्टिकल कोबरा, इसे करैत भी बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों सांप हैं। बहुत ही जहरीले। और इस जंगल में इनको छोड़ने जा रहे हैं। छोड़ दें। वीडियो देख कर के कॉपी मत करिएगा, कभी भी पकड़ने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो खतरा हो भी सकता है। और ये काम बहुत ही एक्सपर्ट आदमियों को करना चाहिए जो सांप पकड़ते हैं। अब इन सभी सांपों को हम इसी जंगल में छोड़ रहे हैं। ये बहुत छोटा सांप है, बहुत बेबी सांप है, और ये भी बहुत खतरनाक होता है। अब ये रह गया है, इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं इसी जंगल में, ताकि ये देखिए बहुत छोटा सा सांप है और ये भी बहुत जहरीला होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमने सारे सांपों को जंगल में छोड़ दिया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम नई वीडियो बनाएंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों नमस्कार।